एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आपको नींबू के जो रोग लगते हैं उनके बारे में बताऊंगा। नींबू में बहुत सारे रोग लगते हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उनमें से आज मैं तीन रोगों के बारे में बताऊंगा। मैं अपने जो नींबू की मेरी ये दो लाइनें हैं, ये देखिए, एक ये नींबू है जो मेरा बारहमासी नींबू है, और इधर थोड़ी सी नज़र दौड़ाइए, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये लेमन है, ये लेमन। तो मैं आपको आज तीन मुख्य रोगों के बारे में बताऊंगा। ये रोग क्या हैं, कैसे इनकी पहचान करोगे और इनकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। पहला रोग है कैंकर रोग। ये जो साइट्रस फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं, जैसे नींबू है, माल्टा है, किनू है, सब में आता है। दूसरा है लीफ माइनर, जो पत्तियों में एक कीट होता है जो दिखाई नहीं देता और वो सुरंग बनाकर रहता है, जो सफेद सफेद होते हैं। और तीसरा है नींबू की एक सुंडी, जिसे हम नींबू की तितली भी बोलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम नींबू में कैंकर रोग। किसान भाइयों, मेरे किसी पेड़ में कैंकर रोग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसकी पहचान करने के बताऊंगा कि जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पत्ते बिल्कुल पीले पड़ जाएंगे। देखिए, इस तरह के हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो नीचे है ना, नीचे वाले, ये इस तरह के पत्ते हो जाएंगे इसमें। लेकिन ये जो ये शाखा है ना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। जैसे ये शाखा है, ये बिल्कुल स्वस्थ शाखा है, ये देखिए, तो इसमें भी एक तरह के स्पॉट आ जाएंगे इसी तरह के, और वो स्पॉट इंगित करते हैं कि आपके इसमें कैंकर रोग है। और जब ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो जैसा ये नींबू मैं दिखा रहा हूँ, इस पर स्पॉट आ जाएंगे और एक तरह से के भूरे भूरे धब्बे पड़ जाएंगे और नींबू खराब हो जाता है। उस नींबू की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके पौधे पर तीन तरह से अटैक करता है। पहला पत्तियों पर होगा, उसके बाद तने पर होगा, तना खराब होता चला जाएगा इसका, और इतना भी होगा कि तने की छाल बिल्कुल खराब हो जाएगी। और तीसरा, जो नींबू है वो बिल्कुल आपका काम करने लायक नहीं बचेगा, बिल्कुल एक तरह से ऊपर इतने धब्बे हो जाएंगे, खुरदरे से हो जाएंगे, जैसे कि खुरन सा होता है घाव पर जमने के बाद में, इस तरह के हो जाएंगे। और ये एक नींबू का बहुत ही भयंकर रोग। इसकी जो उपाय है, सबसे पहले आपको यह करना है अपने बाग की नियमित देखभाल करना। किसान भाइयों, मेरा जो अभी सवा डेढ़ साल का अनुभव है, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि बागवानी और खेती में बहुत अंतर है। बागवानी में आपको अपने बाग में नियमित कम से कम तीसरे दिन अवश्य जाइए, उसकी नियमित देखभाल करिए, आराम से घूमिए और ये देखिए कि क्या मेरे पौधों में कोई अंतर तो नहीं आ रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही। अगर आप इसका समय पर इलाज नहीं करते तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाती और आपके पौधे को और फल को काफी हद तक नष्ट कर देती। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रकोप होता है वो सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में होता है, इसलिए जैसे ही बारिश शुरू होती है आप अपने उसकी देखभाल शुरू कर दीजिए। और जैसे ही इसका पता चलता है कि अगर नहीं आता, आप गूगल पर जाइए, देखिए किस तरह की पत्तियां हैं, कैंकर के बारे में देखिए, अपने साथियों से पूछिए, हमारे अमेजिंग किसान ग्रुप में पूछिए कि मेरे पास ये बीमारी आ गई। तो इसका पहला उपाय है कि आप बरसात शुरू होते ही, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो शाखाएं हैं, जो आपके ये तना है, ये तने को देखिए, नीचे से करीब एक डेढ़ फीट तक इसके पास में कुछ नहीं होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए बिल्कुल। और साफ करके इस पे आप बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल करें, आप बोर्डो पेस्ट बनाएं और इस पर बोर्डो पेस्ट करें। कुछ भाइयों की शिकायत है कि बोर्डो पेस्ट बारिश में उतर जाता है, नहीं, अमेजिंग किसान वेबसाइट पर जो अमरूद की बागवानी भाग चार है, उसमें मैंने बोर्डो पेस्ट बनाने की एक विधि बताई है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अनुसंधान लेख पर आधारित है, उसमें बोर्डो पेंट भी बताया गया है, जिसमें आप अलसी का तेल गर्म कर मिलाते हैं, उसकी मात्रा मेरे लेख में लिखी हुई है, और ये बिल्कुल सत्यापित
जो पत्र होते हैं उन पर, जो अनुसंधान के पत्र हैं भारतीय कृषि अनुसंधान पत्र के, उन पर आधारित है, तो उसको एक बताई गई मात्रा में मिलाइए और फिर आपका जो बोर्डो पेंट है वो कभी नहीं उतरेगा। बड़े पेड़ों में 1 से 1.5 मीटर तक करिए, छोटों में 1 से 1.5 फीट तक आप बोर्डो पेंट कर। दूसरी इसकी है कि बारिश शुरू होने से पहले, जैसे आपको लगता है कि अभी 2-4 दिन में बारिश होने वाली है, तो एक फंगस आती है, एक वो पाउडर आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लू कॉपर के नाम से भी बाजार में मिलता है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लीजिए और उसको आप 180 ग्राम, मैं फिर बता रहा हूँ, 180 ग्राम आप उसको 1 60 लीटर की पानी में घोल लीजिए। तो 60 लीटर का मतलब हो गया कि 3 ग्राम प्रति लीटर, जितने पानी की आवश्यकता आपको पौधों पर छिड़काव के लिए चाहिए उसमें प्रति लीटर 3 ग्राम के हिसाब से डालिए, और 1 ग्राम के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक एंटीबायोटिक है वो आता है, उसके पाउच आते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं, वो 6 ग्राम का पैकेट आता है, वो 60 लीटर पानी में मिलाइए। तो 60 लीटर पानी में 6 ग्राम का एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पाउडर और 180 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका छिड़काव कर दीजिए बारिश शुरू होते ही। जैसे ही उसका छिड़काव होगा तो आपके पौधे कम से कम 1 से 1.5 माह तक ऊपर फूल भी लेंगे। फिर दोहराता हूँ, बोर्डो पेंट लगाइए, कोशिश करिए अलसी का तेल अपने पास रखिए और घर पर ही बनाइए, बोर्डो पेंट लगाइए, पौधे के आसपास सफाई रखिए और उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का एक कर दीजिए। अगर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का नहीं भी करते, सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करते हैं और कोई बीमारी नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अगर बीमारी दिख गई तब आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे जरूर करना पड़ेगा। एक मैं बिना पैसे की सलाह देता हूं आपको, बहुत अच्छी है, जब भी आप नींबू के पौधे खरीदने जाएं तो हर पौधे को ध्यान से देखें, उसका कोई भी तना या शाखा रोग ग्रस्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उस पर कोई भी कट या सूखा हुआ या इस तरह से कोई भी जो नॉर्मल लगती है बिल्कुल वो दिखाई देनी चाहिए। अगर उसमें जरा सा भी कट या ऐसे कोई भूरे भूरे रंग के उस पर कुछ लगा हुआ हो, उसका रंग भूरा हुआ हुआ हो, थोड़ी सी कटी हुई टहनी हो, उसको एक तरफ रख दीजिए, नहीं चाहिए। अगर आप ये 3 सावधानी रखेंगे तो कैंकर रोग आपके उसमें पौधों में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लीफ माइनर के लिए। लीफ माइनर की मैं आपको बहुत अच्छी पहचान कराऊंगा, मेरे पौधों में आता है और ये बहुत ज्यादा आता है उसमें करने के लिए, अगर आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं लीफ माइनर, ये देखिए मैं आपको एक पत्ती तोड़ता हूँ, ये सुकड़ गई हैं पत्तियाँ और मेरे इसमें कम है, ये देखिए यहाँ पर सुकड़ गई हैं पत्तियाँ। अब मैं ये पत्ती तोड़ लेता हूँ एक यहाँ से, ये देखिए ये अगर आप इसको करेंगे तो ये पीछे की तरफ देखिए एक ये भूरा सा दिखाई दे रहा है, ये खत्म हो चुका है यहाँ से, और ये जो इस सब मेरे पेड़ों में अब नहीं है चूँकि दवाई लगाती, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये आया हुआ है, और अगर इसे अच्छी तरह ऐसे खुरचेंगे तो इसमें आपको एक कीड़ा दिखाई देगा। किसान भाइयों क्या होता है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में आता है, ये देखिए सब में आया हुआ था तब मैंने किया, और नई पत्तियों में बहुत तेजी से लगता है, ये देखिए ये है, पर चूंकि इसमें लगा दी थी दवाई और अब ये बिल्कुल नहीं है, इसमें देखो फल आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी नींबू है और देखिए कितने अच्छे फल आ रहे हैं। एक और मैं पौधा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसकी कितनी ग्रसित थी, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये लीफ माइनर है, ये देखिए ये देखिए ये लीफ माइनर, अगर मैं इसका छिड़काव नहीं करता ये सूखने का मतलब है कि ये खत्म हो चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसी पौधे पर देखिए, ये देखिए अब साफ है सर, ये देखिए बिल्कुल साफ है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये लीफ माइनर की मैंने आपको पहचान कर दी, नींबू पर भी और लेमन पर भी देख लीजिए आप, मैं लेमन भी दिखाता हूँ, ये मेरा लेमन है, इसके पत्ते होते हैं, इसमें भी इसमें कम है मेरे लेमन पर, क्योंकि मैं बहुत जब भी सप्ताह में आता हूँ बाग में घूमता हूँ, जैसे एक ये पत्ता है ये देखिए, इसे तोड़ लेते हैं, ये देखिए ये पीछे की तरफ है इसमें, और ये देखिए हाइट, ये क्या करता है कीट, ये अंदर जब अंडे आते हैं इसमें पैदा होता है
तो ये पत्ते के अंदर घुस जाता है और वहां पर इसका लार्वा बड़ा होता हुआ ये एक सुरंग सी बना लेता है, इसीलिए इसे माइनर कहते हैं, लीफ माइनर यानी पत्ते में सुरंग बनाने वाला कीट जो होता है ये होता है। अब ये क्या करते हैं, जब ये पत्ती में दब जाता है तो ये सुरंग बनाकर रहता है और पत्ती के अंदर एक अंडा दे देता है और वो अंडा फिर पत्ती बड़ी होती है तो उसमें दब जाता है और ये अंदर ही अंदर घूमता हुआ पूरे उसमें हो जाता है, पत्ती इसकी मुड़ जाती है। अब इसके उपाय कैसे करेंगे आप? पहला उपाय, अगर आपके पास पौधे कम है आप करना चाहते हैं तो घूमिए, जितनी पत्तियां हैं उनको हाथ से तोड़ दीजिए, इकट्ठी करिए और एक तरफ लेकर उनको जला दीजिए या मिट्टी में दबा। किसान भाइयों, दूसरा है इसका, अगर आपके पास ऐसा नहीं कर सकते, एक दवाई आती है इमिडाक्लोरोपिड, इमिडाक्लोरोपिड साइट्रस के उसमें बहुत ही कामयाब दवाई, इसकी मात्रा आधा ml एक लीटर में लगती है, यानी जो 15 मान लीजिए 16 लीटर की टंकी है आपकी, तो पूरी टंकी में 8 ml दवाई डालिए और 8 ml डालने के बाद में उसमें एक स्टिकर मिलाइए। मैं बार बार कहा है, कोई भी आपकी रासायनिक दवाई हो तो उसको आप हमेशा स्टिकर अवश्य मिलाएं, और सबसे सस्ता स्टिकर आपको मिलता है 1 रुपए का शैम्पू का पाउच, कोई टंकी में डालिए, घोलिए, फिर दवाई मिलाइए और उसका फिर घोल उसको अच्छी तरह चलाइए और उसका छिड़काव करिए, तो ये बहुत असरदार होती है। एक चीज का ध्यान रखना, बाजार में बहुत दवाइयां मिलेंगी जो आप मांगोगे अक्सर दुकानदार वो नहीं देगा। मैं अभी एक दो दवाई विक्रेता से प्रबंध कर रहा हूँ, बात की है मैंने, कुछ किसान भाइयों के फोन आते हैं हमें ये वाली दवाई नहीं मिलती, जैसी बायर की कॉन्फिडोर बहुत अच्छी दवाई है, सिजेंटा कंपनी की बहुत अच्छी दवाई है, तो हम अच्छी कंपनी की जब लेते हैं तो हमें अक्सर कर नहीं मिलती, चूंकि दुकानदार ज्यादातर वो चीजें बेचता है जिसमें उसको फायदा नहीं होता। तो मैंने 2-3 दुकानदारों से बात करी है कि मैं अगर आपको नंबर दूं और मैं लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट करें तो क्या ये दवाई आप उनके यहाँ भेज देंगे, वो कह रहे हैं हाँ भेज देंगे। तो अभी बहुत जल्दी बस अक्टूबर से मैं ये सेवा किसानों के लिए शुरू करने वाला हूँ कि अगर किसी को कहीं भी किसी कोने में कोई दवाई नहीं मिल रही है तो मैं उसको डिस्पैच कराया दूंगा, हाँ उसका डिस्पैच का खर्चा उनको देना होगा जो भी होगा। दवाई छिड़कने के 15 दिन बाद एक बार फिर अपने पौधों में देखें, और अगर कोई फिर भी नजर थोड़ा बहुत आता है तो 15 दिन बाद एक छिड़काव और करें। किसान भाइयों, मेरा यह अनुभव है इस साल का, मैंने नोट करा कि 15 मार्च के बाद आप अपने पौधों में नींबू को में ये बीमारी आती है, 15 मार्च से लगभग 15 मई तक ये बीमारी आती है, उसके बाद फिर ये जुलाई में शुरू होती है और जुलाई अगस्त में फिर इसका प्रकोप होता है। ये महीने आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और इसमें देखभाल करिए और इस तरह से। अब जो भाई जैविक खेती करते हैं, मैंने उसका भी प्रयोग किया है, मेरे साथ समस्या ये होती है कि मैं हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं मेरे को, और जब तक मैं आता हूं तब तक उसका प्रकोप इतना हो चुका होता है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए मुझे नींबू में रसायन का प्रयोग करना पड़ा। नीम का तेल अगर आप 10,000 ppm का नीम का तेल लेंगे, मैंने वहां से अहमदाबाद से मंगाया है, बहुत अच्छा नीम का तेल आया है, तो एक टंकी में 45 ml पहले लीजिए, एक टंकी के लिए मैं मात्रा बता रहा हूँ, 45 ml नीम का तेल लीजिए और 45 ml एक उनकी उन्होंने ही मेरे को दिया था एक स्टिकर दीजिए और दोनों को मिलाइए अच्छी तरह, जब उनको मिला लोगे अच्छी तरह तो उसमें फिर आप एक टंकी यानी 15 लीटर पानी डाल दीजिए, बहुत अच्छी तरह घुल जाएगा, और इसका छिड़काव करिए। इसका छिड़काव आपको कम से कम 2 बार 7 दिन के बाद फिर करना पड़ेगा। जो जितनी भी आपकी जैविक दवाइयां हैं वो प्रिवेंटिव बहुत काम करती है, यानी कि आपके बीमारी आने से पहले, आपको ये ध्यान रखना है कि अब बीमारी आने वाली है, उससे पहले कर दीजिए आपकी बीमारी नहीं आएगी। जून से अक्टूबर, जब भी एक चीज ध्यान रखें, जब भी कटिंग करें जून से सितंबर तक, जुलाई अगस्त जब भी कटिंग करेंगे आप उसकी अपने नींबू के उसकी, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि जो कटिंग से घाव बनते हैं, जो जगह होती है वहां पर बीमारी के अटैक होने का ज्यादा चांस होता है।
अगर ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है फिर भी बहुत भयंकर चल रही है, नहीं कब्जे मारे, तो आप उसमें जो आपने इमिडाक्लोरोफिट करा है उसमें आप ये भी डाल दीजिए जो मैंने बताया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, यानी 6 ग्राम 60 लीटर, एक पाउच से आपको 4 टंकी बने 60 लीटर की बने, उसका छिड़काव करिए तो आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपके पौधे बहुत अच्छे। किसान भाइयों ये थी दूसरी, अब आती है तीसरी नींबू की तितली। इस टाइम मेरे पेड़ पर नहीं है नींबू की तितली, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ हैं जिन पर आई थी। घर पर मेरा एक पेड़ है, ये देखिए इसकी ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं जो आपको, वहां पर नींबू की तितली थी और मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक हो गई। कुछ यहां पर भी आई है, उनका मैंने क्या इलाज किया ये मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नींबू की तितली, इसको बोलते हैं कि ये शुरू में पत्तों पर ऐसा दिखाई देगी जैसे कि कोई पक्षी जो है ना बीट कर गया, थोड़ी काली सी थोड़ी भूरी सी दिखाई देगी, उसके बाद ये तेजी से पत्तों को खाना शुरू कर देती है। जब ये पत्तों को खाना शुरू कर देती है तो बड़ी तेजी से ये रंग बदलती है और ये हरे रंग की हो जाती है और फिर इसकी पहचान बहुत मुश्किल है। तो आपको इसे शुरू में ही कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे आप इसको मैं बताता हूं। और ये आती क्यों है, आप देखना आपके खेत के आसपास ज्यादा घास घूस तो नहीं है, अगर बहुत घास है तब भी आए, और अगर आपके खेत के आसपास किसी ने पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए तो आपको इसे आने से कोई नहीं रोक सकता, ये अवश्य आए। तो अगर आपके पौधे कम हैं तो जहां जहां पर ये है उस पत्ते को तोड़ लीजिए, इन सब को इकट्ठा कर लीजिए और जला दीजिए या नीचे दबा जमीन में दबा। अगर इसका प्रभाव बहुत अधिक है तो जो मैं दो चीजें बता रहा हूं उनमें से कोई भी चीज आप करें। इमिडाक्लोरोपिड का हमेशा फार्मूला वही है, आधा ml 1 लीटर में, यानी एक टंकी में 8 ml डालिए और उसका स्प्रे कर दीजिए, ये बिल्कुल। एक दवाई आती है रसायन में कोरसा 808, इसमें कोरसा 808 जब आप करेंगे तो इसको 50 अगर आप 100 ml लेते हैं एक टंकी में, 100 ml लीजिए और स्टिकर डालिए और इसको कर दीजिए, आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सुंडी नहीं बचेगी आपके यहाँ, बिल्कुल नहीं बचेगी। ये मेरा किया हुआ है, जो मेरे एक पड़ोसी है उसने, उधर को देखा ना ये थोड़ा सा उधर, जो पड़ोसी है उसने बिल्कुल मेरी जड़ में जो है ना वो लगाए हुए हैं पॉपुलर के पेड़, मेरे उस साइड में बहुत आती है। अगर आप जैविक कर रहे हैं तो नीम के तेल का कोई भी तोड़ नहीं, अगर आपके पास अच्छा नीम का तेल है, लेकिन जब आपको लगता है कि ये बीमारी आने वाली है या हो रही है तो आपको प्रत्येक सप्ताह करिए, हो सकता है 1 महीने तक करिए, कोई प्रॉब्लम तो आपकी ये बीमारी नहीं है। किसान भाइयों फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी दवाई छिड़कने से पहले उसमें स्टिकर अवश्य मिलाए, एक ये ध्यान, स्टिकर से पत्तियों पर दवाई चिपक जाती है और कीड़ों पर बहुत प्रभाव, क्योंकि जब वो चिपक जाएगी उसमें से उसे पत्तों को खाएंगे और वो उनके अंदर जहर जाएगा और वो खत्म। ये थी पहली। दूसरी बात थी कि जो भी मैं लेख लिखता हूं, वो ये वीडियो बनाई है, इस पर ये नींबू की बीमारी और उनकी रोकथाम के नाम से मेरी वेबसाइट पर लेख पड़ा। अगर आपको कहीं भी कोई संशय हो रहा हो इस वीडियो देखने के बाद, मेरी किसी भी बात से सहमत हो तो उसे लोगों के साथ साझा अवश्य करिए। मैं कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये करिए, लेकिन लाइक करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो वीडियो आपको कभी भी आप भूल जाएंगे तो दोबारा अपने लाइक की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं उस वीडियो। और अगर किसी भाई दूसरे के यहाँ आपको पता हो वो परेशान है तो उसके साथ उसको साझा करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वेबसाइट पर जाइए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। किसान भाइयों इसमें जो मैंने ये बातें बताई हैं इसमें मेरा थोड़ा अनुभव है, और बाकी जो अनुभव है वो हमारे अमेजिंग किसान जो सोशल ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें इसमें अधिक सबसे अधिक जो सुझाव हैं और जो बताई गई बातें हैं वो श्री नावेद शेख जी, नावेद शेख जी हमारे नींबू के एक्सपर्ट माने जाते हैं उस चीज़ में, और उनकी सलाह से बहुत लोगों का फायदा होता है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैन साहब भी बताते हैं कभी कभी किसी दवाई के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज बागवानी में जैन साहब को, मैं इन दोनों का आभारी हूँ, अपने सोशल ग्रुप का आभारी हूँ जिन्होंने इतना मुझे मान सम्मान दिया और मेरी बातें ध्यान से सुनकर।
किसान भाइयों, मेरा इसमें योगदान इतना है कि जो सब बातें ज्ञान की मुझे पता चलती रहती है, मैं उनको लिखता हूं, उनका संग्रहण करता हूं और उनको, इसको कहते हैं ज्ञान प्रबंध। एक दिन ऐसा आएगा आप कोई भी विषय टाइप करेंगे मेरी वेबसाइट पर, वो तुरंत आपको निकाल कर उसका सटीक आपको उपाय बताएगा, चाहे वो जैविक का हो चाहे इसका हो। इसमें थोड़ा समय लगता है, कम से कम 1 साल का, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ पिछले 1 सप्ताह से कि प्रतिदिन वेबसाइट पर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, डबल हो रही है, 50, 100, 150, 250 से भी ऊपर चले गए प्रतिदिन का। इसका मतलब लोगों को वहां कुछ नहीं। इसी के साथ इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।